हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम जो प्रोबेबिलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में आते हैं मेन में, तो उनका हम जो है कुछ सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एन ओल्ड मैन वाइल डाइलिंग ए नंबर मोबाइल नंबर आफ्टर हैविंग डायल्ड एट नंबर सडनली फॉर गेस्ट फॉरगेट लास्ट टू डिजिट नंबर। सडनली मुझे एन ओल्ड मैन व्हाइल डायलिंग ए मोबाइल नंबर आफ्टर हैविंग डायल्ड एट नंबर सडनली फॉरगेट लास्ट टू डिजिट नंबर। ही ओनली रिमेंबर दैट लास्ट टू डिजिट नंबर वाज आइडेंटिकल। वाज आइडेंटिकल। लास्ट टू इंजन को वाज डिफरेंट कर लो भैया। वाज क्या है? वाज डिफरेंट, वाज डिफरेंट डिफरेंट नंबर दैट द टू डिजिट नंबर वाज डिफरेंट ऑन दिस अजम्पशन ही डाइल्ड नंबर। What is the probability to correct dial टेलीफोन नंबर? देखो भाई, सवाल है ये। एक बूढ़ा आदमी था, वो जो है मोबाइल नंबर मिलाना चाहता था। मिलाते मिलाते उसने 8 नंबर तो मिल गए, लेकिन बाद के जो लास्ट टू डिजिट नंबर वो भूल गया, क्योंकि बूढ़े आदमी की जो मेमोरी है वो कमजोर हो जाती है,
इसलिए वो लास्ट टू डिजिट नंबर जो है भूल गया। सिर्फ इतना याद रहा कि वो जो दोनों नंबर थे लास्ट के, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। दोनों नंबर क्या थे? बिल्कुल अलग अलग थे, और उनको नंबर मिलाना ज़रूरी था। नंबर फिर भी मिलाया उन्होंने, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों नंबर, कि वो नंबर ठीक मिला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्ट करेक्ट डायल्ड फोन, द करेक्ट डायल्ड द फोन, करेक्ट द डायल्ड टेलीफोन नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके करेक्ट टेलीफोन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो भाई, अब जैसे मान लिया इसके लिए ये है, मान लिया जैसे ये फोन नंबर मिलाया होगा उन्होंने, जैसे मान लिया ये है कि फोन नंबर कितने डिजिट का होता है? ये 10 नंबर का है। कितने का है ये? 10 नंबर का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर होते हैं। जैसे किसी का नंबर 999 7 7 4 3, इस तरह 10 नंबर होता है। तो इसी तरह अब इन्हें मिलाते हुए क्या होगा कि 8 डिजिट का ये नंबर है, ये तो ठीक मिल गया, ये तो उसके याद रहा। लेकिन ये दो नंबर ध्यान नहीं रहे, वो इतना ध्यान रहा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये 9th प्लस और 10th प्लस के जो नंबर हैं वो भूल गए। अच्छा, कल मैंने बताया था किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल को क्या कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो, यही किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आती है। ये किसी भी चीज़ की क्या आती है प्रोबेबिलिटी, कल भी बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल फेवरेबल अपॉन, पूरा लिख दो या इतना ही से काम चल जाएगा, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा जी, इस सवाल में फेवरेबल कितनी है, कि फेवरेबल क्या है कि नंबर करेक्ट हो, नंबर करेक्ट तो एक ही होगा, 10 नंबर का डिजिट है, नंबर तो फेवरेबल एक ही होता है करेक्ट, तो फेवरेबल कितना आ गया, फेवरेबल कितना आ गया भैया, एक। टोटल आउटकम कितनी आ गई, टोटल आउट कम। देखो इस 9 प्लेस पे जो नंबर है वो कौन सा आ सकता है, जीरो से कौन सा आ सकता है, 0 1 2, 0 से 9 तक आ सकता है। कौन सा नंबर आ सकता है इस 9 प्लेस पे, 0 1 2 3 up to 9, कितना आ सकता है, 0 से 9 तक आ सकता है, कहाँ तक है, 0 से 9 तक। तो टोटल कितना हो गई है, 1 2 2, 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10, कितना आ गए, 10। और अब इस पैलेस पे 10 पैलेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, उनको ये ध्यान रहा बूढ़े आदमी को कि ये जो दोनों नंबर हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अगर एक नंबर यहाँ आ गया तो इस 10वें पैलेस पर, तो 0 से कहाँ तक आएंगे, 0 से 1 2 3 आएंगे तो 9 ही आएंगे, तो 9 तक ही, लेकिन वो नंबर रिपीट नहीं होना जो नंबर यहाँ जो है 90 नंबर पे रिपीट हो गया था, आ गया था। तो अब कितने ये टोटल कितने नंबर आएंगे यहाँ 10वें पैलेस पर, इस पर कितने होंगे, 9, क्योंकि यहाँ जो है जब 10 नंबर आ गए, यहाँ कितने नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए इस पर, तो एक नंबर जो है वो याद अलग अलग नंबर हैं और आने हैं 0 से 9 तक के 10 नंबर, एक नंबर यहाँ आ गया, कितने बचे हैं, 9। तो इसमें जो फीलिंग आ रही है वो 9 and 10, 9 और पैलेस पर, जहाँ भी एंड की फीलिंग आए वहाँ क्या होता है मल्टीविजन, जहाँ और की फीलिंग आए वहाँ क्या होता है या, जहाँ एंड की फीलिंग आए वहाँ क्या होता है मल्टीविजन, जहाँ भी एंड की फीलिंग आए तो वहाँ क्या होता है मल्टीविजन, और की फीलिंग आए तो क्या होता है प्लस। तो इसमें उसमें नंबर है 9 and 10, तो क्या आएगा यहाँ मल्टीविजन, तो टोटल 10 multiplied by 9 इक्वल टू क्या आ गया, 90। तो फेवरेबल कितना आ गए, 1, टोटल कितना आ गया 10 upon 90, तो फेवरेबल कितना आ गया 1 upon 90, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 upon 90 आ गई, ठीक है भाई, समझ में आ गई। हटके बताऊँ, देखो भाई क्या सवाल है, एक बूढ़ा आदमी है, वो जो है नंबर मिलाना चाह रहा था, नंबर था उसका 10 डिजिट का,
ठीक, कोई अपने बेटे को मिलाना, बेटी को या किसी को मिला रहा था, लेकिन बाई चांस जिस बूढ़ा आदमी की मेमोरी कमजोर होती है, मिलाते मिलाते 8 नंबर वे भूल गए। 8 नंबर क्या, 8 नहीं, सॉरी 8 नंबर क्या हो गया, वो मिला लिए थे, मिलाने के बाद 2 नंबर भूल गए, लास्ट के 2 जीरो। जब वो 2 नंबर 2 जीरो भूल गए, अब उनके याद सिर्फ इतना रहा कि लास्ट के 2 जीरो थे वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है उनका करेक्ट नंबर डायल हो जा, करेक्ट वो ठीक नंबर डायल हो जा। तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेयरवेल को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो, यही भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक भाई, अब प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूले क्या आता है, फेयरवेल अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल क्या हो गया, फेवरेबल हो गया 1, क्योंकि नंबर पूरा एक करेक्ट नंबर है, एक ही होगी, एक ही करेक्ट नंबर आता है, एक नंबर एक ही होता है, डबल तो मैच होता नहीं किसी भी नंबर का, कोई भी 2 नंबर मैच नहीं होते, एक नंबर एक ही होगा। अच्छा टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, इस 10वें पहले 90वें पहले इसके लिए कितने नंबर आ सकते हैं, 10, और 10वें पहले इस पर एक नंबर कम हो जो यहाँ रिपीट हो गया, आ गया जो यहाँ, तो यहाँ तो आना नहीं, रिपीट नहीं होना, तो इसलिए क्या है 10 × 9, तो क्या है 90। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/90। तो इस सवाल की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है, ये आता है, कई बार आ चुका है। ठीक है भाई, इसको उतार लो फिर रब करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ रहा होगा। देखो ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, मज़ा आता है इनको जब रिलेट करते हैं हम अपनी लाइफ में भी। और इसमें जो है प्रायोरिटी के लिए आपने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन भी को भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब जो सवाल आएंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर है 4 आइडेंटिकल एप्पल एंड 3 ऑरेंज एंड 3 ऑरेंज अरेंज इन ए रो, अरेंज इन ए रो। क्या सवाल है, 4 आइडेंटिकल एप्पल हैं और 3 आइडेंटिकल ऑरेंज है, इन्हें क्या में करना है, इन्हें लाइन इन्हें रो में करना है। फाइंड द चार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट इन एक्सट्रीम पोजिशन, इन एक्सट्रीम पोजिशन शुड बी आ शुड बी आ ऑरेंज, शुड बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शुड बी ए ऑरेंज। देखो भाई सवाल क्या है, 4 एक जैसे एप्पल हैं और 3 ऑरेंज हैं, उन्हें एक रो या एक लाइन में उन्हें जो है अरेंज करना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब बाहर की पोजीशन, दो होते हैं ना किनारे, जैसे मान लीजिए ये रो है या लाइन है, इसके 2 किनारे होते हैं, एक ये एक ये, तो इन पे जो है क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए।
इन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ऑरेंज, शुरू में भी ऑरेंज और लास्ट में भी ऑरेंज होना चाहिए। अच्छा, और एप्पल कितने थे, चार। एप्पल कितने थे, चार। मान लिया एक एप्पल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एप्पल, चार एप्पल थे। और ये क्या क्या बचा, ऑरेंज, एक ऑरेंज यहाँ हो गया, एक ऑरेंज यहाँ हो गया, ये हो गए। अब इनको पांच को क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। सवाल सवाल में ये तो दोनों फिक्स हो गए, कौन थे एक्सट्रीम पोजीशन में, दोनों ऑरेंज, बचे एक ऑरेंज ये और चार एप्पल। तो इसको फिक्स करना है, क्या करना है, इसको फिक्स करना है। अच्छा, इसके टोटल कितने हो जाएंगे, इसके टोटल टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल कितने हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ, अगर दिए हों आइडेंटिकल एक दिए हों तो क्या होता है, फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल क्यू अपॉन फैक्टोरियल आर, पढ़ा है कोई फॉर्मूला इस तरह का, यानी पी अगर टोटल पी हों, क्यू एक जैसे हों, आर एक जैसे हों, एफ एक जैसे हों, पढ़ा नहीं है, याद है कुछ थोड़ा, खैर। तो इसमें टोटल कितने हैं, एक टोटल कितने हैं, एक दो तीन और चार सात, यानी फैक्टो कितने हैं, फैक्टोरियल सात, इसमें कितने हैं, चार एप्पल एक जैसे हैं और तीन एप्पल एक जैसे हैं, ये आ गए टोटल, यानी फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल थ्री। और अब फेवरेबल आउटकम, अब क्या है फेवरेबल, ये फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी भैया, इनको कितनों को, अब फेवरेबल में कितनों को इनको अरेंज करना है, कितने को अरेंज करना है भाई, पांच को अरेंज करना है, कितने को अरेंज करना है, पांच को, कितने को अरेंज करना है, एक दो तीन चार, चार एप्पल और एक पांच, तो टोटल कितना आ गए, पांच, टोटल कितना आ गए, पांच, ठीक। अगर और इसमें चार कितने हैं, एप्पल चार एक जैसे हैं, चार फैक्टोरियल चार एक 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 जैसा है, ये आ जाएगा। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आती है भैया, प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितनी है, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर, ये आ जाएगा मल्टीपल अपॉन टोटल आउटकम कितनी है, ये आ जाएगा फैक्टोरियल सेवन, इसे ऊपर नीचे ले जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फोर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल थ्री, ठीक। अब क्या आगे, इस फैक्टोरियल फोर से फैक्टोरियल फोर चला जाएगा, ठीक, नीचे क्या बच गया, ऊपर फैक्टोरियल फोर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल सेवन, फैक्टोरियल फोर का मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू, सेवन में क्या आ गया, सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फाइव, इस फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फाइव, थ्री वन टू सिक्स टू वन का क्या आ गया, ये वन अपॉन सेवन आ गया, क्या आ गया, ये इसका आंसर क्या आ गया, ये वन अपॉन सेवन आ गया, इससे सीधा लिख दो वन अपॉन सेवन आ गया। ये बात समझ में आई गई भाई, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें, देखो एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। फोर आइडेंटिकल एप्पल एंड तीन ऑरेंज, तीन चार एक जैसे सेब और तीन संतरे थे, उन्हें अरेंज करना है एक लाइन एक रो में अरेंज करना है,
क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आना चाहिए, सिर्फ एक क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्या है सिर्फ एक वो है, क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, क्या है बोलो क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे, सिर्फ जो है ऑरेंज है, यानी बाहर की पोजीशन पे एक ऑरेंज है। देखो भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है, कोई मान लिया कोई लाइन है या रो है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक ऑरेंज यहाँ आ गया, एक ऑरेंज यहाँ आ गया, कितने ऑरेंज बचे, एक ऑरेंज है बचा, ये बचे में रखने, और कितने ऑरेंज बचे, तीन ऑरेंज बचे, तीन अप नहीं एक ऑरेंज और चार एप्पल, एक ऑरेंज और चार एप्पल। अब इन्हें जो है अरेंजमेंट करना है। अच्छा ये टोटल आउटकम निकाल लेंगे, पहले टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल कितनी चीज़ें हैं, ये सात, चार और तीन सात, फैक्टोरियल सेवन अपॉन एक, जैसे एप्पल चार है अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये फार्मूला पढ़ा हुआ आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। फिर फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल में अब इनको मुझे जो है इनको अरेंज करना है, अरेंज कितने हैं टोटल फाइव, फाइव आइडेंटिकल कितने हैं एप्पल फोर, एक जैसे हैं अरेंज एक जैसे है ये, वो तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसको सोल्यूशन को सोल्व कर लेंगे, ये फेवरेबल होगा ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं समझ में आएगा या हटके समझाऊँ, क्या क्या नहीं समझ में आया भाई, अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है ये फार्मूला भी बताता हूँ मैं देखो, ये इसे को पहले उतार लो फिर रब कर देता हूँ, ठीक है कहाँ से आज, ये इस तरह है देखो भाई ये कहाँ था यार, अगर मान लिया मेरे पे एक तरह की फर्स्ट थिंग्स हैं P, फिर जो सेकंड थिंग्स हैं वो थी Q, और थर्ड तरह की कितनी चीज़ें हैं R है, कितनी चीज़ें हैं R, और P इस तरह की हैं P प्लस Q प्लस R इक्वल टू N, क्या है भैया P प्लस Q प्लस R इक्वल टू N है, ठीक है भाई, ये तीन तरह की चीज़ें हैं मेरे पास, फर्स्ट पी तरह की एक चीज़ें हैं जो दूसरे हैं, दूसरे नंबर क्यू एक तरह की अलग चीज़ें हैं, नंबर ऑफ थर्ड जो है आर अलग तरह की चीज़ें हैं, और ये आइडेंटिकल हैं, क्या हैं शुड बी आइडेंटिकल, क्या होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, पी जितनी भी चीज़ होंगी ये भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये भी है फोर आइडेंटिकल, फोर आइडेंटिकल, फोर आइडेंटिकल के लिए क्या होना चाहिए, पी एक तरह की चीज़ें हैं, क्यू एक तरह की, और इनका सम क्या है एन, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितना होंगे, यानी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर, ये फॉर्म रहता है, जैसे मिसिसिपी का एक वो पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मिसिसिपी में कितने वो अरेंजमेंट बनते हैं, ठीक है भाई, तो क्या बनता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर, और ये फैक्टोरियल क्या होता है, मान लिया थ्री फैक्टोरियल करना है तो क्या होता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू थ्री टू द सिक्स, अगर फोर मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल करना है तो फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू इंटू वन कितना आ जाएगा फोर थ्री ट्वेल्व टू द ट्वेंटी फोर, अगर फैक्टोरियल फाइव करना है तो क्या आएगा फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू इक्वल टू कितना आएगा 120, इसी तरह सेम अगर फैक्टोरियल n करना हो n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू मल्टीप्लाई अप टू वन टू, इस तरह ये नंबर आ जाता है n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, इस तरह जो है ये आ जाता है, ये होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, अगर कहीं मान ले ये लिखा हो पहले तुमको याद दिलाता हूँ, मुझे फैक्टोरियल अभी था फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल फाइव, तो इसको क्या किस तरह काट सकते हैं, अभी काटा था मैंने सेवन इंटू सिक्स इंटू जो बचा हुआ है इसको फैक्टोरियल में लिख दो, इसको ये फैक्टोरियल सेवन अपॉन
डबल फाइव का मतलब फिर आगे हो जाएगा फाइव फोर थ्री मल्टीप्लाई टू, नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल फाइव, इस फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फाइव, तो सेवन सिक्स 42 ये आ जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं। अगर एक ही अगर टोटल नंबर ऑफ एन चीज हो, इसमें पी एक तरह की हो, क्यू एक तरह की हो, आर एक तरह की हो, तो टोटल अरेंजमेंट कितना है, फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल क्यू अपॉन फैक्टोरियल आर। ये अभी हमने इसी तरह करा। ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई एनी प्रॉब्लम भाई? ठीक है, आगे फिर एक सवाल है भाई आगे का, फिर एक सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत आता है ये भी बोर्ड में भी, ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी आता है और जो है आईआईटी जेई में कई बार रिपीट हो चुका है। जैसे क्या क्वेश्चन है भैया, इन अ लीप ईयर क्वेश्चन है, या अ लीप ईयर, अ लीप ईयर, अ लीप ईयर selected at random, selected at randomly, selected at randomly find the probability from the find the probability find the a leap year selected at randomly find the probability, क्या probability निकालनी है, number एक मैंने है 53 संडे हूं, 53 संडे हूं, बी क्या है 53 संडे एंड मंडे हूं, 53 संडे एंड मंडे हूं, सी क्या है भैया 53 संडे और मंडे, 53 संडे और मंडे हो। देखो भाई एक सवाल है, ये एक कोई लीप ईयर है जो सेलेक्ट करना है, उसमें कोई इस तरह सेलेक्ट करना है, क्या किस्से होगी कि उसमें एक संडे को सेलेक्ट करना है कि 53 या 53वां संडे हो। देखो भाई लीप ईयर कहते किसे कहें, लीप ईयर उसे कहते हैं जिस साल फरवरी 29 दिन की हो जाए और उस साल में कितने कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, वैसे एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, क्या होते हैं 52 वीक्स होते हैं, क्या कहते हैं ए ईयर है 52 वीक्स इन विच इट मीन्स दैट एवरी डे हैज टू बी रिपीटेड 52 टाइम, यानी 52 बार आता है एक भी दिन, जैसे 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 53 ट्यूजडे, 53 वेडनेसडे आएंगे। अच्छा इन 50 अब हमको 53 संडे आते हैं, हर है कितने हैं लीप ईयर, अगर 52 आते हैं तो 7 डे का वीक होता है, कितना आ गया 64 आ गया, यानी कितने रिमेनिंग डे बचे लीप ईयर में 366 डे होते हैं और वैसे में 364 आते हैं, कितने दिन बचे 2 दिन बचे, कितने दिन बचे
अब 2 दिन, अब क्या निकालना है इन 2 दिन में जो है संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो भाई दिन बची है ये, एक तो संडे, एक मंडे, एक ट्यूसडे, एक वेडनेसडे, एक थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एक फ्राइडे और एक सैटरडे। ये टोटल कितने हैं डे, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने आ गए, ये टोटल आउटकम कितने आ गए, टोटल आउटकम 7। और इनमें से 53 वा संडे, 53 वा संडे, इन इन 2 दिनों में से एक ही संडे कितनी बार आ सकता है भाई, एक ही दोबारा आएगा 53 वा, उनमें से हर एक दिन एक ही दोबारा आएगा, क्योंकि 52 जब वीक हो जाएंगे 364 डे बचेंगे, सिर्फ कितने दिन बचे 2 दिन, इन 2 दिनों में से कोई सही 2 दिन हो जाएंगे, ये भी हो सकते हैं, 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 तो संडे तो कम से कम 2 दिनों में एक ही दोबारा आएगा, लगातार 2 तो संडे होते नहीं है, संडे के बाद मंडे आता है, इससे पहले क्या आता है सैटरडे आता है, तो फेवरेबल कितना आ गए, फेवरेबल कितना आ गए 1, यहाँ से संडे कितनी बार आ सकता है 53 का संडे का 1, ये आइए का आंसर है भैया, आंसर ये। अच्छा तो टोटल आउटकम कितनी आ गई 7, फेवरेबल कितनी आ गई 1, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/7, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/7 आ गई, ठीक। अच्छा जी, यानी कि अगर कोई एक लीप ईयर हो उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/7 आ गई, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, ठीक। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसमें 53 वा संडे एंड मंडे क्या होना चाहिए, संडे एंड मंडे, जैसे यानी संडे भी हो और मंडे भी हो, संडे भी और मंडे भी हो, किस तरह आ सकता है, मतलब दोनों, देखो भाई या तो होता है संडे मंडे भाई के जितने भी ग्रुपिंग है वो बना लेंगे, जितनी भी अरेंजमेंट है संडे मंडे, या दोनों से दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे सैटरडे संडे, ये संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे 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 संडे, ये हो गए। ये कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ही हो गए टोटल। अब ये कह रहा है कि संडे और मंडे लगातार है, संडे और मंडे, संडे भी हो और मंडे भी हो, देखो भाई अगर कहीं संडे होगा संडे के बाद हमेशा मंडे आएगा, देखो लगातार होने चाहिए, तो इसमें संडे और मंडे कितनी बार आ रहा है, देखो संडे मंडे है तो ये तो है नहीं कि एक बार संडे संडे के बाद वेट डेट रहता है दिन, कभी भी नहीं आ सकता। अगर संडे होगा, अगर क्या होगा संडे हुआ, संडे के बाद क्या आता है मंडे, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है थर्सडे, इस तरह लगातार कंटिन्यू में संडे और मंडे इसमें टोटल एक ही बार आ रहा है, कहाँ रहा है ये एक ही बार, संडे है तो भी यहाँ भी, लेकिन संडे तो यहाँ पहले सैटरडे, सैटरडे संडे आते हैं लगातार, ठीक है जी, और ये और तो कहीं है नहीं है, सिर्फ एक है, तो टोटल आउटकम कितनी आ गई, टोटल आउटकम कितनी आ गई भाई, टोटल आउटकम 7 आ गई, और फेवरेबल कितनी आ गई भैया, फेवरेबल 1, फेवरेबल कितनी आ गई, ये
नहीं टोटल तो आ गई, प्रायोरिटी कितनी आ गई, 1/7 आ गई, 1/7 आ गई। तो इन 53 संडे और मंडे में, संडे और मंडे जो लगातार हैं उनमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/7। ठीक है भाई, मिटो रब करे। ठीक है, देखो क्या है भाई, जिससे पहले मैंने जो सवाल बताया था कि 53 संडे हुआ, 53 वा संडे हो, 53 वा संडे हो, किस तरह बताया था मैंने एक बार वो देख लेंगे, 53 वा संडे हो, 53 वा संडे किस तरह होंगे, मतलब दो दिन बचेंगे, क्या बचेंगे, जिस तरह बताया था कितने दिन होते हैं, ये संडे मंडे ट्यूजडे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तो होते हैं दिन, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 दिन थे। और इसमें क्या था, ये संडे मंडे क्या है, रिपीट हो जाएगा, संडे मंडे क्या आ जाएगा, ये मतलब संडे और मंडे एक साथ आ जाएंगे, संडे भी हो और मंडे भी हो, इसमें क्या 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 वो बन गए थे, अरेंजमेंट संडे मंडे मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे वेटनसडे वेटनसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ठीक है। अब पूछ रहा है 53 संडे या मंडे हो, 53 वा डे जो हो, 53 वा वीक हो, 53 वा वीक हो, 53 वा वीक हो। अच्छा देखो ये है ना, देखो क्या था, ये शायद मैंने गलत बता दिया, 53 वा संडे जो है मैंने गलत बता दिया, ये 53 वा संडे होगा, इसमें जो एक ही जो आंसर होगा, जो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल कितने हैं ये 7, फेवरेबल कितने हैं, कितने दिन बचे, दो दिन बचे ना, दो में से एक लेना है, तो दो आ जाएगा, ये दो 2/7 1/7 बता गया, शायद सॉरी भाई मैं गलत बता गया हूँ, ये उसको करेक्शन कर लेना, जो मैं पीछे बता गया हूँ क्या कर लेना उसको भाई, करेक्शन कर लेना। देखो इनमें से कितने दिन बचेंगे, फेवरेबल दो दिन बचेंगे ना, देखो टोटल कितने डेज हो गए, 366 डेज हो गए, 52 वीक में 364 बचे, खत्म हो गए, कितने बचे, ये दो दिन बचे, इन दो दिन में संडे कितना होगा, तो 2 फेवरेबल 2 हो जाएगा ना, 2 और पोन क्या आ जाएगा 7। ठीक इसी तरह से ये इसमें कितने संडे मंडे कितनी बार आ रहा है फेवरेबल, 1 और टोटल कितने हैं 1/7। थर्ड ये बी का आंसर हो गया, अब थर्ड क्या है, ये सी का आंसर हो गया, सी का आंसर क्या है, 53 संडे हो या मंडे, 53 क्या हो नहीं, 53 वह जो वो होगा वीक में होगा, संडे होगा या मंडे, यानी 53 वा वीक में जो होगा या तो संडे हो या मंडे हो, यानी क्या हो 53 वा वीक में या तो संडे हो या मंडे हो, यानी 53 वा वीक संडे हो या मंडे, या अगर जहां भी या की फीलिंग आए, कहें की फीलिंग आए या और की, तो मैंने बताया था और की फीलिंग में क्या जोड़ते हैं, क्या करते हैं प्लस, और की अगर कहीं भी फीलिंग आ जाए और की, तो क्या जोड़ते हैं प्लस, और अगर एंड की फीलिंग आ जाए तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अभी बताया था, तो उसमें 53 वा संडे हो या मंडे, 53 वा संडे हो या मंडे हो,
देखो भाई, अब इसमें 53 वा संडे हो या मंडे हो, तो कौन सा आज है भाई? देखो भाई, एक तो ये हो सकता है संडे मंडे, एक क्या होता है संडे मंडे, एक क्या हो सकता है मंडे ट्यूजडे हो सकता है, एक क्या हो सकता है संडे मंडे, एक क्या होता है मंडे ट्यूजडे, एक क्या होता है सैटरडे संडे, और तो कहीं है नहीं भाई। कितने हो गए हैं इसमें से? ये कह रहा है कि 53 वा संडे हो या मंडे, 53 वा संडे हो या मंडे, दोनों 53 वा संडे मंडे, तो यहाँ भी आ सकता है, यो नहीं आ सकता, यो भी ले लिया, यहाँ नहीं मंडे है, यहाँ नहीं मंडे है, यहाँ नहीं मंडे है, यहाँ सैटरडे है, यहाँ क्या आ गया सैटरडे संडे, तो एक ये ले लिया सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, एस टी मान ले छोटा सा, सैटरडे और संडे कर लिया, सैटरडे और संडे, तो अब ये कितने आ गए है? एक दो तीन, फेरोबल कितने आ गए? तीन, टोटल टोटल कितने हैं? टोटल तो 7 डे है, 3/7, टोटल डेज कितने हैं? 7, इसमें से फेयरवेल कितने हैं? 3, 1, 2, 3, अच्छा, यानी कि अगर किसी चीज़ में 53 संडे होंगे किसी भी लीप ईयर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7 के दो डेज बचेंगे, अभी पीछे भी गलत, वैसे मैंने पीछे गलत बता दिया था, 1/7 सॉरी, तो फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, कि इसमें जो है दो दिन बचेंगे ना, तो दो में प्रोबेबिलिटी 2/7, और इसमें जो है संडे और मंडे, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आया संडे मंडे? सिर्फ दो दिन है, दो दिन में संडे मंडे एक ही बार, लगातार एक ही बार आएगा एक वीक में, तो ये वही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 1/7, और अगर 53 संडे का वीक में संडे और मंडे हो, संडे और संडे हो या मंडे हो, संडे भी हो सकता है या मंडे, मतलब या मतलब प्लस वाली फीलिंग, तो संडे मंडे ये है, यहाँ भी मंडे आ रहा है, यहाँ भी इस में से कलेक्शन में छा क्या आ जाएगा 3/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है पूछ सकता है भाई, आगे बढ़े भाई, अगर प्रॉब्लम सोल्व हो, अगर सोल्व हो गई हो तो आगे बढ़े भाई, ठीक है। मजा आ रहा भाई कुछ? ये प्रोडक्ट बहुत इजी है, इतनी टफ नहीं होती, बहुत इजी है। उसको कलेक्ट कर लेना भैया, वो जो है ना जो 353 का मैंने 2/7 गलत बता, 1/7 गलत बता, 2/7 होता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? नेचुरल नंबर आर सिलेक्टेड, टू नेचुरल नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
समीप ओड नंबर द समीप ओड नंबर अभय दिए समीप इवन नंबर। देखो भाई सवाल समझने की कोशिश करते हैं, सवाल समझते हैं। दो नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर है वो सिलेक्ट करते हैं क्या थे फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट करते हैं कितने फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि समीर ओड नंबर, समीर ओड नंबर। दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करते हैं क्या है मतलब पहले 20 नेचुरल नंबर में से उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी समीर ओड नंबर समीर इवन नंबर। देखो पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले नेचुरल नंबर ये होते हैं, पहले ही समझो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, फर्स्ट 2, 3, 4, 5 up to 6, up to 20 ये होते हैं टोटल फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। इनमें दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं इवन, एक क्या होते हैं इवन, एक क्या होते हैं ओड। इवन नंबर क्या होते हैं भैया, इवन नंबर ही होते हैं 2, 4, 6, 8 इसमें 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ओड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी कितने हो गए, ये भी 10 नंबर हो गए टोटल, ये भी कितने हो गए 10। यानी आउट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर देयर आर 10 इवन नंबर और 10 ओड नंबर। इवन नंबर ए नंबर विच इज डिवाइडेड कंप्लीटली बाय 2 इक्वल टू इवन नंबर, जैसे जुफत भी कहते हैं गांव में भाई। ओड नंबर विच नॉट डिवाइड बाय 2 जैसे 1, 3, 5, 7 ये 10। अच्छा यानी 20 नंबर में फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से 10 इवन नंबर हो गए, 10 ओड नंबर हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसमें से क्या करना है, दो नंबर लेने हैं कि सम इसका ओड हो, सम इसका क्या है सम इसका ओड हो। देखो भाई दो नंबर हैं मान लिया, ये एक तो ओड नंबर होता है, एक क्या होता है इवन, एक क्या होता है ई का मतलब इवन। दो नंबर मैंने ले लिए, उनका सम क्या हो सकता है इवन नंबर कब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक ओड हो एक इवन हो, ऐसा भी हो सकता है इवन हो एक इवन हो, ऐसे भी हो सकता है एक एक इवन हो और एक पहला इवन हो दो ओड हो। भाई दो नंबर लेने का तरीका क्या है इनका, एक ओड हो एक इवन हो इनमें से, या दोनों इवन हो या क्या हो दोनों ओड हो, या दोनों क्या हो ओड हो, दोनों क्या हो। अच्छा ओड प्लस इवन हमेशा क्या आता है, ओड को और इवन को जोड़ के क्या आता है ओड प्लस इवन क्या आता है, ओड इवन प्लस इवन क्या आता है इवन, ओड प्लस ओड क्या आता है इवन, ओड प्लस ओड क्या आता है। देखो अब क्या है कि सम इज का ओड नंबर, इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है उसका जो है ओड नंबर, ओड नंबर देखो किस तरह आ रहा, ओड प्लस इवन इक्वल टू क्या रहा ओड, क्या रहा ओड प्लस इवन क्या रहा, ओड प्लस इवन क्या रहा ओड, और इवन प्लस इवन क्या रहा इवन, और ओड प्लस ओड क्या रहा ये इवन, क्या रहा ये इवन। सिर्फ इसमें से तुमने देखो इसमें एक ही प्रोबेबिलिटी एक ही चांस है क्या है इसमें क्या ना फंड ओड नंबर आने का एक ही चांस है कि ओड प्लस इवन, यानी पहले भी नंबर ओड हो दूसरा इवन हो तो ये क्या था ओड। अगर दोनों नंबर इवन हो गए तो क्या आएगा इवन, अगर दोनों ओड हो गए तो ओड। अच्छा टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 20, लेने कितने नंबर हैं इसमें से
टू नंबर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितनी आ गई, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितनी आ गई, 20 में से सी लेना है, 20 सी 2, ये तो बात समझ में आ गई, 20 सी 2 टोटल आउटकम लेने हैं, 20 सी 2 ले लिए। अच्छा अब इसका सम कितना होना चाहिए, ओड नंबर, ओड नंबर कितना हो सकता है, ओड प्लस इवन, ओड कितने नंबर हैं इसमें, 10 नंबर, जब दो नंबर एक तो इसमें से लिया जाएगा, एक इसमें से लिया जाएगा, जब ही तो होगा ना ये, अगर दोनों ओड ले लिए इवन हो जाएगा, दोनों इवन ले लिए जब भी इवन हो जाएगा, तो इसलिए एक इसमें से एक इसमें से, ओड कितने हैं नंबर 10, 10 में से कितने लेने हैं 1, इवन नंबर कितने हैं 10, 10 में से लेने, तो फेवरेबल कितना आ गया, फेवरेबल, फेवरेबल कितना आ गया 10 सी 1 मल्टीप्लाई 10 सी 1, ये फेवरेबल आउटकम पूरा लिख लेना भैया, फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 10 सी 1 मल्टीप्लाई 10 में से एक लेना है, कॉम्बिनेशन पढ़ा था 10 में से एक 10 सी 1, इसमें भी एक लेना है, तो क्या आ रही है 10 सी 1। अच्छा इसमें क्या आ रही है फीलिंग, क्या क्या की फीलिंग आ रही है इसमें, फीलिंग आ रही है क्या की फीलिंग आ रही है, ओड एंड इवन, क्या की आ रही है फीलिंग, ओड एंड इवन या ओड और इवन की आ रही है, क्या की आ रही है, ओड एंड इवन, ओड एंड इवन की फीलिंग आ रही है, तो एंड का मतलब क्या होता है मल्टीशन, अभी बताया था मैंने क्या आ जाएगी मल्टीशन, अगर कहता है ओड ओड और इवन, ओड या इवन, तो फिर क्या आता है प्लस, तो ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई यहाँ से, यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी वो, तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल 20 सी 2, इसे सोल्व करना है भाई, 10 सी 1 अपॉन 20 सी 2 को सोल्व करो भाई, सब क्या जाएगा, हो गया भाई, देखो जैसा है ना ये 10 सी 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, 10 सी 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ठीक है, और अब क्या है 20 सी 2, क्या है ये 20 सी 2, तो 20 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 अपॉन टू एन माइनस आर, ये 80, ठीक है भाई ये आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन इसका सोल्व करके आता है, यानी कि इसके अपॉन ये आ जाएगा, है ठीक ही है, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन क्या आ जाएगा, ये ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, तो इसको इसको काट पाट के क्या आ जाएगा भाई सबको, इसका इसका डायरेक्ट लिख दो भाई आंसर, ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके डायरेक्ट लिख दो भाई क्या आ जाएगा 10 अपॉन 19, क्या आ जाएगा 10 अपॉन, अब तो सिनेमा आ गया हो किस तरह का, ये हो ना NCR का फॉर्मूला होता है, NCR का NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है ना कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है भाई याद, ये होता है ना फार्मूला, अब इस तरह आ गया 10 अपॉन 19, अभी ये क्या आ गया सम इज द ओड नंबर, सम इज द ओड नंबर, अब क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द सम इज द इवन नंबर, सम इज द इवन नंबर, ये दोनों कंप्लीमेंट ही हो गई, यानी कि ओड तो ये है और इवन, बस दो ही तो नंबर हैं, ये तो ओड है या इवन है, अगर सम इवन नंबर आ रहा है तो ये होगी, अगर सम इज इवन नंबर है, सम इवन है तो ओड ना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कल ही बता था पी ई प्लस पी डैश ई इक्वल टू वन होती है ना प्रोबेबिलिटी, क्या होती है बी, आंसर क्या है बी का,
आंसर क्या है बी का, आंसर बी सम, आंसर क्या आगे बी का प्रोबेबिलिटी है सम इज इवन नंबर, सम इज इवन नंबर, और की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 10/19, तो क्या आएगा 1 - 10/19, ये था ना कल भी बताया था मैंने पीई प्लस पी डैश ई इज इक्वल टू 1, अगर दो कंप्लीमेंट्री हो प्रायोरिटी एक हैपनिंग की प्रायोरिटी पी नॉट हैपन प्रायोरिटी पी डैश ई इक्वल टू 1, तो यहाँ भी दो हैपनिंग है तो या तो ओड आएगी या इवन आएगी, ओड की तो ये है और इवन की क्या है ये है, तो पी डैश ई इक्वल टू पी डैश 1 माइनस पी, तो 1 - 10/19 क्या आ गया 9/10, की प्रोबेबिलिटी आ गई है 9/10 आ गई, ठीक है भाई अंडरस्टैंड, या रिपीट करूं से सवाल को समझाऊं, देखो भाई क्या सवाल है, दो नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर है वो सिलेक्टेड करे हैं कि हम से फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी की निकालनी कि वो जो है ओड नंबर हो उनका सम, और उनका सम क्या है इवन नंबर हो, हमें बता नेचुरल नंबर फर्स्ट 20 होते हैं, फर्स्ट 20 मतलब देर आर वस्तु 20 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन विच दैम 2, 4, 6, 8, 10 आर 10 इवन नंबर एंड 1, 3, 5, 7, 11, 8, 9 up to 19 आर 10 नंबर, इन फर्स्ट 20 नंबर देर आर 10 इवन नंबर एंड 10 द ओड नंबर, तो टोटल आउटकम दो नंबर लेने हैं इन विच फर्स्ट 20 नंबर टू 20 सी 2, अच्छा अब फेवरेबल कितने आ गए, फेवरेबल सम ओड कितना होगा, ओड नंबर एक ही शर्त होती है ओड और इवन अगर लेना हो तो क्या होता है ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन, ओड कितने हैं 10 में से इवन लेना है 10 c1, फिर इवन लेना है 10 c1, तो 10 c1 10 c1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कौन ये करके क्या आगे 10/19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10/19, ठीक है भाई, अच्छा भाई आगे बढ़े भाई बात, और अच्छा अब क्या आएगा कि सम ऑफ इज इवन नंबर, ये कंप्लीमेंट्री है, एक प्रोबेबिलिटी हो रही हैप्पी है एक नॉट हैप्पन है, दोनों का सम क्या आता है 1, तो पी इसमें 1 में से घटा दो तो उसकी क्या होती है नॉट हैप्पन किया जाती है, अगर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो उनमें से 1 में से घटा दो क्या जाती है, क्या जाती है नॉट हैपनिंग की आ जाती है, ठीक है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लॉजिकली ट्रिकी क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, ये भी जेई में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है भाई आगे बढ़े, ठीक है भाई अब अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकली ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में, ये शायद लास्ट सेकंड ईयर में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसा है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, कंसिडर द सिस्टम इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू जीरो वन,
क्या है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू 01। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, क्या स्टेटमेंट फर्स्ट है, क्या फर्स्ट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सिस्टम ऑफ हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इज 3/8। स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट सेकंड है, क्या स्टेटमेंट सेकंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन इन वन, इन वन। ये जो है द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वेशन हैज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वेशन हैज इज वन। देखो भाई, ये दो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, कौन सा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन हैं, सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू, यानी ए बी सी डी की वैल्यू जीरो और वन। अच्छा, स्टेटमेंट देना है कि स्टेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी इज 3/8। तो सिस्टम जो इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई, 3/8 है, 3/8 है। अच्छा देखो भाई, अब तुमने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन की है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन इज 3/8। प्रोबेबिलिटी इसकी इक्वेशन की कितनी है, 3/8 है। अच्छा, तुमने 10th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, मैं बता देता हूँ, जैसे दो इक्वेशन की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये लीनियर इक्वेशन में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक भाई, ये थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, ये ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन। आया भाई याद, कुछ पीछे की मेमोरी आई कुछ, तो क्या आ जाती है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट बी वन अपॉन बी टू। ठीक इसी तरह से दो इक्वेशन है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई, दो इक्वेशन है। इन इक्वेशन में क्या कहता है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन, ठीक। तो इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसमें भी बिल्कुल सेम इजी के लिए है, फोर यूनिक सॉल्यूशन, फोर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा भाई, ए अपॉन सी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन डी। ये था ना कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसमें ए वन अपॉन एक्स अभी बताया था, इक्वल टू क्या आ जाता है, ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या अगर ए डी
अगर कोई भी चीज सॉल्यूशन है, अगर क्या है, अगर सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन के, क्या जाता है, कंडीशन में चाहिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, और जो ए बी सी डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो और वन, जीरो और जीरो और वन वन आ सकता है। अच्छा भाई, यो अगर अगर कोई कहेगी ए डी इज इक्वल टू बी सी, कब नहीं इक्वल हो सकता, कब नहीं इक्वल हो सकता, ये कब नहीं हो सकता, या तो ये जीरो हो और ये वन हो, या ये वन हो या ये जीरो हो। किस तरह जीरो हो सकता, जैसे ये नहीं हो सकता, जैसे मान ले ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है, ठीक है भाई। अच्छा जी, थोड़ा छोटा कर, देखो अब ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो जीरो हो ये वन हो, या ये वन हो ये जीरो हो। ए डी की वैल्यू किस तरह जीरो हो सकती है, ए डी की वैल्यू किस तरह जीरो हो सकती है, ये जीरो हो, ए डी की वैल्यू जीरो किस तरह हो सकती है, ये वन हो, ठीक, या क्या हो सकती है, ए जीरो हो डी वन हो, या ए भी जीरो हो और डी भी जीरो हो, ए भी जीरो हो डी भी जीरो हो, या ए वन हो डी जीरो हो, ये भी हो सकती है, ये भी हो नहीं सकती। अच्छा, अगर ये जीरो हो तो ये दोनों क्या होना चाहिए, वन, ये वन वन किस तरह, ये भी वन होगी, 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 ये भी, ठीक आई बात है, यानी ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी कब हो जाता है, ये तो जीरो हो ये वन हो, या ये वन हो या ये जीरो हो, या तो ये वन हो या ये जीरो हो। अब क्या है ये, अब अगर ये जीरो हो, अगर ये क्या है, अब यह क्या होता है, ये वन हो, ये क्या हो, ये वन हो, ये क्या हो, जीरो हो, ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो हो, ये वन हो, ये वन हो, ये जीरो हो, ये जीरो, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें तो वन 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 वन। देखो भाई क्या आ गया, इसमें ए डी इज इक्वल टू नॉट बी सी कब होगा, ये कंडीशन हो सकती है कि भाई या तो ए डी जो है जीरो हो या ये वन हो, अगर ये जीरो है ये वन हो तो शुरू की ये तीन कंडीशन हो गई, ये क्या हो गई है, ये तीन कंडीशन हो गई, अगर ये क्या हो, ये वन हो ये जीरो हो, ये बाद में तीन कंडीशन हो गई। अच्छा, इस तरह ही आ सकता है और तो नहीं आ सकता। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि सिस्टम है द यूनिक सॉल्यूशन, है द सिस्टम है द, सिर्फ कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है, कितनी कंडीशन है ये, तीन कंडीशन। अच्छा, टोटल कितनी है, टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल कितने वेरिएबल हैं, एक दो, ये वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई है, तो टोटल कितने जाएंगे ये भैया, टू की पावर फोर है, वेरिएबल कितने जाएंगे, टू की पावर फोर है। और भाई फेवरेबल कितनी कंडीशन है, तीन है, फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, तीन है, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना आ गए, मिल गए तो परीक्षा के बारे में बताएंगे, रिजल्ट का मतलब
तो टोटल कितने आ गए, 2 की पावर 4 आ गए, 2 की पावर 4 आ गए। फेयरवेल कितने आ गए, 3 + 3 कितना आ गए, 6। कितना आ गए फेयरवेल, कितना आ गए, 6। 3 ही आ गए, 3 ही आ गए, कितना आ गए, 6 हो गए। कितने आ गए टोटल फेयरवेल, कितना आ गए, 6। 3 ये हैं और 3 ही ये हैं, कितना आ गए टोटल, 6। टोटल कितना आ गए, 2 की पावर 4। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, 2 की पावर 4, 6/2 की पावर 4 क्या आ गया, ये 6/ क्या आ गया, 16। 2 3 6 2 8 18 क्या आ गया, 3/8 आ गया, क्या आ गया ये, 3/8। तो स्टेटमेंट क्या था मेरा, देखो भाई क्या सवाल था, ये कंसीडर ऑफ सिस्टम था इक्वेशन का, कितने थे, 2 इक्वेशन थी, ax + by = cx + dy = 0। ये पहली इक्वेशन थी, ये क्या थी दूसरी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन थी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू 0। कितने हैं ये, कितने हुए हैं, कितने जो है ए बी सी डी, कितने हैं ये कोफिशेंट, 4 ए बी सी डी 4। और कितने हैं वे, 2 हैं। नंबर जो उन्हें असाइन कर सकता हूँ मैं, 0 कर सकता हूँ और या 1 0 1, या ये कर सकता हूँ 2 नंबर। तो टोटल फेयरवेल कितना आ जाएंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर यहाँ से कितना आ गए, 2 की पावर 4। अच्छा और इसका स्टेटमेंट है कि पहले प्रायोरिटी निकालनी है, द सिस्टम है द यूनिक सॉल्यूशन इज 3/8। कब है, द सिस्टम इक्वेशन हैव द यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम हैव द यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरह रख सकता है, वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि a/c ≠ b d, या इसमें क्रॉस में पार्टीशन कर दी, ad ≠ b/c, ad ≠ b/c। जब ये दोनों इक्वल कब नहीं हो सकती है, ये दो कंडीशन है, ये ad ≠ b2 = c0 कब नहीं हो सकती, ad ≠ b/c कब नहीं हो सकती, या तो ये 0 हो यही है, या ये 1 हो ये 0 हो, ये दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये, या तो ad क्या हो 0 हो, bc कितना हो 1, और या ad 1 हो ये 0 हो। ad 0 कब हो सकता है, ad का लो a क्रॉस मल्टीप्लाई d, ad 0 कब हो सकता है, a 0 हो d 1 हो, या a 0 हो d 0 हो, या ए जीरो वन, ये वन वन के लिए कंडीशन, तीनों वन वन ही आ जाएंगे, तीनों वन वन ही है ठीक। अब अगर ये बी सी जीरो हो, बी सी जीरो तीन कंडीशन होता है, ये वन बी सी, बी सी कितने कंडीशन है, 3 0 से 0 1 1 0 0 0, इसमें तीनों में वन ही वन आना है। ये टोटल जो फेवरेबल आ गए, टोटल फेवरेबल कितना आ गए, 6 आ गए, 3 ए रहे 3 ए रहे, 3 + 3 कितना आ गए, 6 आ गए, कितने आ गए, 6। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किससे निकलती है, प्रोबेबिलिटी निकलती है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है, 6/2 की पावर 4। तो 6/16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, 3/8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा ठीक है भाई। आगे बात समझो, ये स्टेटमेंट इसके अंदर ये ठीक है कि यूनिक सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। तो स्टेटमेंट इस तरह की ये ठीक है। अच्छा अब सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन वन, हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन वन। देखो भाई ये एक ही सॉल्यूशन है इसका, ax + cx + dy = 0 पहली इक्वेशन है इसका, ये सेकंड इक्वेशन है। ये जो दो इक्वेशन दे रखी है इसका फोर स्टेटमेंट बी के लिए, सेकंड के लिए
इन दोनों में जो पता लगाना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन वन होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा भाई? वन होगा। यूनिक सॉल्यूशन वन किस तरह होगा भाई? अगर इनमें से ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो एक ही सॉल्यूशन हो गया। वो तो एक ही लेते, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इसमें भी जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो कब सॉल्यूशन है? द इनर सम ऑफ टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। और इसके अलावा कोई कंडीशन है दो सम ऑफ एनी टू थिंग्स विल बी शुड बी जीरो व्हेन ईच ऑफ जीरो, ईच ऑफ जीरो, ये दोनों का ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? वो सिर्फ जब इनका ये हो सकता है, ये कंडीशन, कितने सॉल्यूशन है उसके? एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रायोरिटी कितनी क्या है? इज द सॉल्यूशन इज द वन। इसका ये देने के दोनों आंसर ठीक है। स्टेटमेंट वन भी द यूनिक सॉल्यूशन की प्रायोरिटी कितनी है? 3/8। और द प्रायोरिटी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन है द सॉल्यूशन कितनी है? प्रायोरिटी वन। ये दोनों इसका मतलब क्या है? ठीक है। ठीक इसी तरह अगर इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर चॉइस में ही आता है। जैसे इसका आंसर आएगा, आंसर ये जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखो IIT में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, तो इसका ये स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया होगा, आंसर किसे पिक करना है? ए होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बी क्या हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। सी क्या हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू। डी इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में दे देगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, दोनों क्या है? ट्रू है, इन्हें बोथ आर ट्रू या बोथ और फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू भी है, सेकंड भी ट्रू है। तो इसमें से अगर ये दिया होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? यानी ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 निकाल ली थी, ये भी सॉल्यूशन एक ही था, तो कौन सा सॉल्यूशन है इसमें? ओनली एक टिक कर लेंगे सी, इस तरह करना है। वहाँ सॉल्यूशन सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करना है। तो क्या आ जाता है? ये आंसर है इसका कि बोथ ऑफ, यानी कंसीडर ऑफ द इक्वेशन है, ये ऐसी इक्वेशन है AX + BY = 0, CX + Y, वेयर ए बी सी डी की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं 0 या 1, 0 और 1 ले सकते हैं। तो 0 और, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी सिस्टम है किसी भी यूनिक सॉल्यूशन को, याद रखना कि प्रोबेबिलिटी होती है 3/8, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड? अगर कोई बात समझ में ना रही, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है भाई। ठीक है भाई, कोई बात मत आया भाई। अगर किसी भी चीज़, किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वारी है वो घर बैठ के कर लेना, कोई पूछ सकता है, अगले कल पूछ लेना। ठीक है, मेहनत से पढ़ा करो भाई। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ की कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, बाहर ही पूछ सकता है, मतलब यहाँ से जाने के बाद भी अगर यहाँ किसी को शर्म लग रही हो, वैसे शर्म करनी चाहिए, फिर भी बाहर ही पूछ सकता है, और छोटी से छोटी बात भी पूछ लेना। ये नहीं है कि अगर आप मतलब IIT की JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, तो हमको नहीं, ये बच्चे क्या सोचेंगे पास के? सोचने तो जो सोच रहा है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा सब देखेंगे। ठीक है, बस छोटी हो बड़ी बात हो, जो समझ में आए वो आराम से पूछ लेना। ठीक है भाई, तो
और कोई क्वेश्चन इंक्वायरी भाई, कल फिर से कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है? बेस्ट हो जाओ, ठीक है? थैंक्स।